लोगों ने आना है तो हम लोग गए थे पहली बार, तो हम लोग गए थे सिलवासा ट्रिप के लिए। एक मिनी ब्लॉग होने वाला है, तो हम लोग गए थे पहली बार, तो हम लोग गए थे एक सिलवासा ट्रिप के लिए। सो सिलवासा ट्रिप में हम लोग जाने के लिए हम लोग ने चूज़ किया रोड वेज, मतलब हम लोग गए थे कोई तो एक प्राइवेट व्हीकल से, बट देन ट्रेन, क्योंकि ट्रेन से बहुत टाइम लग जाता है यार। सो हम लोग को जाते जाते हम लोग को मिला एक नक्षत्र गार्डन, जिसमें हम लोग ने देखा कि यार वहाँ पे है ना, अकॉर्डिंग टू योर नक्षत्र, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्चून या फिर साइंस जो रहते हैं अपने, सो उस नक्षत्र के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स दिए गए थे जो उस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और वही हम लोग ने देखा। पर मेरे को तो मेरा नक्षत्र नहीं मालूम, सो मैंने बोला छोड़ दो यार, ठीक है। और मेरे की तबीयत भी खराब थी, इसके लिए मैंने कुछ ज्यादा देखा नहीं। नक्षत्र गार्डन में घूमे यार, बहुत बड़ा गार्डन है भाई। फिर इसके बाद हम लोग गए नक्षत्र गार्डन के बाद हम लोग गए लायन पार्क, मतलब शेर एक शेर दूसरे शेर को मिलने के लिए गया लायन पार्क में। सो ये भी वीडियो आप शेयर कर देना, इस शेर को शेर देखने के लिए शेयर कर देना इस वीडियो को। यस, नॉट ए स्टैंड अप कॉमेडियन एनी मोर। यस सो यस, हम लोग लायन पार्क गए, पर यार वहाँ पे देखा तो यार लायन बहुत हट्टे हट्टे लायन थे भाई, मतलब एकदम उनको हर रोज खाना मिल रहा है ऐसा दिख रहा था। सो हम लोग भी भाई थोड़े से चौकन्ना रहे और देखते रहे बस कि भाई नहीं तो आव आ जाएगा भाई, और उसको एक दिन भूखा रख देंगे तो अपने कोई खाव आ जाएगा। सो इसके लिए हम लोग जरा आराम से देख रहे थे। सो लायन पार्क के बाद हम लोग गए, हम लोग पहुंचे स्वामी नारायण मंदिर। एज द नेम से स्वामी नारायण मंदिर, यार एक मंदिर था जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इनकार्नेशन या फिर रूप बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स की, ऐसे स्कल्पचर वल्चर बनाया था, बहुत ज्यादा मार्वल आर्किटेक्ट, पर यार देख के मजा आया। और हम लोग रात में गए थे तो हम लोग को आरती वारती भी मिल गई थी। सो इसके बाद हुआ डे वन का एंड, और फिर चालू हो गया डे टू। डे टू की सुबह हम लोग गए पहले ही डियर पार्क। में जाते जाते मैंने पहला काम किया कि मैंने भाई सब डियरों को चौकन्ना कर दिया कि भाई देखो आराम से भाई, यहाँ पे दौड़ना ओढ़ना मत, कभी सल्लू भाई आ गए यहाँ पे सिलवासा में, सो यू डोंट नो कि मिल पाएंगे हम या नहीं। सो इसी डर से यार वो डियर पार्क में हम लोग ने डियर्स देखे, पर वो डियर्स बेचारे भाई बहुत डर चुके थे, इसके लिए कुछ खाना वाना नहीं मिल रहा था उनको, आए गए इसके बहुत पतले पतले थे यार डियर। सो यस, उनको देख के मजा नहीं आया, पर यार मैंने उनको जो बोलने की वजह से वो लोग और खाना नहीं खाने लग गए और पतले हो गए यार, तो अच्छा नहीं लगा। सो डियर पार्क के बाद हम लोग वनगंगा गार्डन। Oh,
इसके बाद हम लोग गए दीव दमन बीच. यस द इंटरेस्टिंग पार्ट यार. सो यस, सो इसके बाद हम लोग गए दीव दमन बीच. दीव दमन बीच जाते जाते हम लोग ने देखा भाई दीव दमन बीच में. और दीव दमन बीच जाते ही मैंने देखा कि यार इनकी सैंड तो भाई ब्लैक है और हमारी जू की सैंड भाई ग्रे, सॉरी हमारी जू की सैंड तो भाई येलो है, सैंडमैन की ओरिजिनल कॉपी जैसे. सर मैं भी सोचने लग गया कि यार ये लोग पॉल्यूशन नहीं फैला रहे लगता है. तो एक दो मैंने रैपर्स फेंक दिए वहाँ पे कि भाई यहाँ पर ये तो डुप्लीकेट जू फैलाना चाहिए इसके वजह से. तो दमन बीच तो जाने के बाद हम लोग गए, नहीं नहीं मैंने कोई रैपर नहीं फेंका. दमन बीच देखा यार, बहुत सही था यार. बोट रेसिंग वोट रेसिंग सब सब वाटर स्पोर्ट्स थे वहाँ पे, पर किया कुछ नहीं क्योंकि डर लगता है. ठीक है, और वैसे भी मेरे को थोड़ा बुखार बुखार था ही. सो यस, उसके बाद हम लोग गए, अभी निकलने का टाइम आ गया सिलवासा से. हम लोग निकल रहे थे सिलवासा से, सोचा कि और एक टेंपल विजिट किया जाए. हम लोग गए महालक्ष्मी टेंपल. तो वहाँ पे हम लोग गए, थोड़ा बहुत हिल स्टेशन हिल रोड पे था. और गए तो हम लोग ने देखा कि भाई वहाँ पे स्पेशल क्यों मतलब महालक्ष्मी टेंपल बना है, उसकी भी थोड़ी बहुत उन लोग ने इन्फॉर्मेशन दी थी. मतलब कुछ तो जो वहाँ पे डिवोटीज थे उन लोग को ऐसा मतलब वो महालक्ष्मी माता का नामस्मरण करते करते वो माउंटेन चढ़ रहे थे, इसके लिए वो माउंटेन का नाम महालक्ष्मी टेम्पल रख दिया. और बहुत सारा डिटेल था पर मैंने बहुत पढ़ा. सो इसके बाद हम लोग गए, इसके बाद लास्ट स्टॉप हम लोग ने देखा है जीवदानी मंदिर जो कि वसई में आता है, गैस हाँ वसई विरार में आता. भाई वहाँ पे हम लोग चले गए और जो मैंने मैकेनिज्म देखी यार बेल्ट पुली वाली, भाई वो लोग मतलब आपको मालूम रहेगा अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो, बेल्ट पुली इतनी बड़ी भाई, क्या डायमीटर था उस पुली का देख के चौक करना हो गया. और बेल्ट भी भाई एकदम मस्त से चल रहा है. और उन लोगों का कैसा क्रेन मैकेनिज्म था, मतलब बेल्ट बेल्ट ड्रिवन था वो. और बस दैट शिट. सो इसके बाद हम लोग गए घर पे, मैं या ऑफिस. यस ऑफिस जाना जरूरी था, अभी भी ऑफिस में हूँ. तो मिलते यार, बस दैट शिट फॉर टुडेस व्लॉग. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में. ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना.